दोस्तों, धरती के अंदर आज की तारीख में 1.3 ट्रिलियन बैरल्स तेल मौजूद है। अगर हम बात करें दुनिया के बड़े तेल के कुओं की और जिस गति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आज के करंट दर की, अगर इस गति से हम इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले 40 साल के अंदर ये सारा का सारा तेल रिजर्व खत्म हो जाएगा। धरती के नीचे कोई भी पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, पेट्रोल और डीजल के दामों पर। जी हाँ, चलिए आपके साथ एक छोटा सा डेटा शेयर करता हूँ। 1990 में पेट्रोल की कीमत भारत में थी लगभग 12 रुपए, जबकि सन 2000 में इसकी कीमत हो गई थी 25 रुपए, सीधे डबल, और 2010 में ये कीमतें पहुंच गई थी 47 रुपए, और आज 2021 में पेट्रोल के दाम है 100 रुपए से भी ऊपर। यानी कि हर 10 साल में पेट्रोल का रेट लगभग डबल हो जा रहा है। उस हिसाब से देखें तो 2030 में ये दाम 150 से 160 हो जाएगा, 2040 में बढ़कर 300 के पार चले जाएंगे, और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम जो कि धरती के अंदर खत्म होते जाएंगे, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी और एक तरह से ये सोना बन जाएगा। यानी तेल आने वाले समय में सोना है। हमारी दुनिया पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है, कम से कम आज की तारीख में। सब्जी, भाजी, तेल इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा और लाया जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है ईंधन, जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिना ईंधन के कोई भी गाड़ियां आज के समय में तो नहीं चल सकती हैं। और जब ईंधन के दाम आसमान छूने लगते हैं, जैसे कि आज के समय में हो रहा है, तब ईंधन की कीमतों के साथ साथ हर चीजें महंगी हो जाती हैं, महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी एक बार आप इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे फिर रिसाइकल करके दोबारा नहीं बना सकते हैं। यही वजह है कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। पेट्रोल और डीजल के महंगा होने का एक और भी कारण है, और वो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अब जानते हैं कि आखिर बनता कैसे है पेट्रोल और डीजल। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधे गड्ढा किया और जमीन से खोद कर निकाल लिया। ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चट्टान से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, जिनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नेप्था, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच आदि चीजें होती हैं। कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखाने में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। कहते हैं कि कच्चे तेल को बड़े बड़े आकार के बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाली जाती हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिलेशन के तरीके से हासिल की जाती है। इनकी कीमत पर बहुत बड़ा असर डालती है। आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल के दाम फिक्स नहीं होते हैं। हर कंट्री में इनके रेट्स डिफर करते हैं और बदलते रहते हैं। जैसे भारत में आज की तारीख में 100 रुपया है पेट्रोल, तो हो सकता है कि दुबई और सऊदी अरब में इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए हो, क्योंकि जिस देश में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के कुएं हैं, जहां से पेट्रोलियम निकाला जा सकता है, उस देश में पेट्रोल की कीमत कौड़ियों के दाम पर होती है। और जिस देश में कच्चा तेल नहीं पाया जाता है, उन देशों को दूसरे देशों से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके बाद रिफाइनरी डिस्टिलेशन को इसका प्राइस देना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं उन देशों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पेट्रोलियम यानी कि जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, वो आता कहां से है। आज से 1000 साल पहले जब पृथ्वी पर विनाश हुआ था, तब कई पेड़ पौधे और कई जानवर इस धरती के अंदर समा गए थे। इसके बाद कई हजार साल तक धरती के अंदर ही दबे रहे, और जब वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए तो उनसे कच्चा तेल बना। ये एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है।
हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जानवर जमीन के अंदर पृथ्वी की उथल पुथल के कारण दब गए। अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण ये मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। मनुष्य ने समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के भंडारों का पता लगाया और समुद्री चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पृथ्वी पर कच्चा तेल कहीं पर भी मिल जाता है। सिर्फ कुछ जगहें ऐसी हैं हमारे पृथ्वी पर जहां पर ये कच्चा तेल पाया जाता है, और इस कच्चे तेल की वजह से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम और इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। देखा जाए तो कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों के अंदर ही पाया जाता है, और समुद्र से कच्चा तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। जब इस रिफाइनरी को किसी एक जगह पर कच्चा तेल का भंडार मिल जाता है, तब उस पर तैरती हुई रिफाइनरी को आसपास की चट्टानी पत्थरों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना हिले। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है जैसा आप अपने घरों में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन इसकी गहराई कई हजार फीट तक होती है। इसे तब तक ड्रिल किया जाता है जब तक कच्चा तेल नहीं मिल जाता। जैसे ही कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है, इसके बाद पाइप और पंप की सहायता से उस पर तैरते हुए रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि समुद्र में सिर्फ कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहां पर तैरती हुई रिफाइनरीज मौजूद हैं। इसके अलावा आप जो समुद्र में तैरते हुए बड़े बड़े प्लांट देखते हैं, इनमें से ज्यादातर प्लांट सिर्फ कच्चा तेल निकालने का काम करते हैं। समुद्र के अलावा इस दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं, और यहां पर भी ड्रिलिंग करके कच्चे तेल को निकाला जाता है। जब कच्चा तेल पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है, तो इसके बाद ये सब बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, जहां पर कच्चे तेल का डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इस डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम इस तरह की चीजें बाहर निकल कर आती हैं। देखा जाए तो हर तरल पदार्थ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक इसी तरह से कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित है। लेकिन कच्चे तेल को अलग अलग तापमान में उबाला जाता है। जैसे जैसे कच्चा तेल उबलता है, वो वेपराइज होने लगता है, और इसके बाद अलग अलग तापमान में अलग अलग चीजें हासिल होने लगती हैं। कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस में उबाला जाता है तो उसमें हमें डीजल मिलता है। 160 डिग्री सेल्सियस में हमें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन प्राप्त होता है। 110 डिग्री सेल्सियस में हमें पेट्रोल मिलता है, जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी तरह कच्चे तेल के डिस्टिलेशन प्रोसेस से और भी कई तरह की चीजें हासिल होती हैं, जैसे कि मोम, पैराफिन वैक्स, ग्लिसरीन, डामर और भी कई तरह की चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल से मिलती हैं। इसकी बकायदा लैब टेस्टिंग की जाती है जिससे ये पता चले कि ये कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है। इसके बाद इसे अलग अलग पेट्रोल पंप में भेजा जाता है। जितना ज्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल होता है, उतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी उस पेट्रोल में मिलती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुनिया भर के देश की सरकार अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर पर काम करती है, जिसकी वजह से इनके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। जितना टैक्स सरकार लगाती है, उतना ज्यादा टैक्स उन देशों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर टैक्स के रूप में बढ़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें पेट्रोल डीजल किस तरीके से प्राप्त होता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है जिसे दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, और आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम होती जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। देखा जाए तो एक ही विकल्प है इसका। अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी तक पहुंच जाएं, यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, तो ही संभव है कि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और दाम भी कम हो जाएंगे, पर वो वक्त कब आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन टेस्ला जैसी कंपनी को, उनके इलेक्ट्रिक कार जैसी कंपनी को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बैटरी बनाई है, जो बैटरी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, सोलर जो रूफ पे वो बना रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं है जब हम सब ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों चीजों की महंगाई कम होने लगेगी, क्योंकि हमारी निर्भरता फ्यूल से कम हो जाएगी। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत बेहतर होगा।
वैसे दोस्तों, साथ ही दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पेट्रोल की कीमत महज 5 रुपए, 6 रुपए या 10 रुपए प्रति लीटर है। जी हाँ, इतना ही सस्ता जितना हमारे देश में पानी की एक बोतल या पानी के पाउचेस होते हैं। और दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश में भी यहाँ से काफी सस्ता पेट्रोल बिक रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन देशों में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे आर्थिक रूप से कमजोर देश शामिल हैं। पाकिस्तान में 51 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 59.69 रुपए है, नेपाल में 78.59 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।